हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। और ये जो रैंकिंग होगी इन कॉलेजेस की, ये NIRF के अकॉर्डिंग होगी। NIRF होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड इट्स अ मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रैंक द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये जो NIRF का फ्रेमवर्क है कि MHRD ने अप्रूव किया। MHRD होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने पहले मेडिकल कॉलेज पे, जो कि है CMC वेलोर, यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर, NIRF रैंकिंग 3 के साथ। तो कॉलेज का एग्जिस्टेंस 1900 से है, यानी बहुत पुराना कॉलेज है। द कॉलेज हैज ऑलवेज ऑक्यूपाइड अ टॉप स्लॉट अमंग द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो ये कॉलेज बस इसलिए नहीं जाना जाता कि ये बहुत पुराना है, बट कॉलेज ने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट किए हैं इंडिया में, जैसे सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी, सबसे पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सबसे पहला किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब इसी कॉलेज में होता है। तो हमारा दूसरा जो बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में, NIRF रैंकिंग 7 के साथ। तो इस कॉलेज की खास बात यह है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। द कॉलेज इज अफिलिएटेड टू मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड देयर MBBS डिग्री इज रिकॉग्नाइज इन सेवरल अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो हमारा तीसरा जो बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, NIRF रैंकिंग 10 के साथ। तो इस कॉलेज की खास बात ये, मतलब इतना बढ़िया लशी ग्रीन एनवायरनमेंट है ना कॉलेज में, एकदम हरा भरा पेड़ पौधे, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है कॉलेज का। अगर देखो आप तो काफ़ी पसंद आ जाएगा आप लोगों को। और कॉलेज बहुत पुराना है, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। कॉलेज इज एफिलेटेड टू श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। द कॉलेज इज फोकस्ड एट प्रोवाइडिंग द बेस्ट मेडिकल नॉलेज टू इट्स MBBS स्टूडेंट। तो हमारे फोर्थ नंबर पे और NIRF रैंकिंग 11 पे है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। कॉलेज एम्स एट प्रोवाइडिंग द बेस्ट मेडिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। फिफ्थ नंबर पे और NIRF रैंकिंग 12 पे है रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1979 एंड द कॉलेज इज स्प्रेड अक्रॉस 70 acres. And it provides the best medical knowledge to its MBBS student and it is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health and Sciences, Karnataka. तो सिक्स नंबर पे और NIRF रैंकिंग 14 पे है दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना। द कॉलेज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1964 इन लुधियाना। द कॉलेज हैज टाइड इट्स नॉट विद मेनी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड द कॉलेज इज अफिलेटेड टू बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस पंजाब। तो सातवें नंबर पे है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, NIRF रैंकिंग 16 के साथ। कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1953 में और ये कॉलेज फैला हुआ है 33 acres ऑफ लैंड में और ये प्रोवाइड कराता है बेस्ट मेडिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट। तो सातवें नंबर पे जो कॉलेज है NIRF रैंकिंग 18 के साथ, आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये इंडिया का सबसे कॉस्टलीस्ट कॉलेज भी है क्योंकि इसकी ओवरऑल फीस जो जाती है 1.14 crores तक चले जाती है। तो बहुत ही महंगा कॉलेज है, अगर आपके पास पैसे हैं वो भी बहुत सारे तो ही आप इस कॉलेज से कर सकते हो, वरना बहुत महंगा कॉलेज है। तो आप सभी ने नाम सुना होगा डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड इट प्रोवाइड्स बेस्ट मेडिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट। इट इज अफिलेटेड टू डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे विच इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। As mentioned earlier, it is one of the costliest medical college in India. NIRF ranking 20 और हमारे top 10 private medical colleges में 9th number पे आता है Kalinga Institute of Medical Sciences, जो कि situated है Bhubaneswar. So often abbreviated as KIMS, the college came into existence in 2007. And the college is affiliated to Kalinga Institute of Industrial Technology University. Number 10 पे और NIRF ranking 22 के साथ SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई पे। तो श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई की तरह इस कॉलेज में भी बहुत सारे पेड़ पौधे, एकदम हरा भरा लश ग्रीन एनवायरनमेंट है कॉलेज कैंपस में एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2005। दिस कॉलेज इज एफिलेटेड टू SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो गाइज ये थी मेरी टॉप 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट। सभी कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और हमेशा की तरह मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि चारों तरफ एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बना के रखिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए आपके चारों तरफ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।